So, yo guys and welcome back. तो क्या तुम लोग मुझे भूल चुके हो अब मुझे इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा क्या इतनी जल्दी भूल जाते हो तुम लोग क्या तुम लोग कर हो? वैसे रुको ये सब बात है मैं क्यों कर रहा हूँ वैसे मैं कौन हूँ और मैं बात किससे कर रहा था और ये मोबाइल में रिकॉर्डिंग क्यों सो दो हजार साल बीतने के बाद मुझे सब कुछ याद आ गया क्योंकि मैंने जड़ी बूटी ले ली दो साल दो हज़ार साल के बाद तो मैं फाज्तू के लिए कर रहा था तो आज हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो टॉपिक ये है कि बेबल बस राइस आना है मतलब आएगा टी में तो उसके बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो गए बेबस राइस के आने के बाद तो बेब्ल बस राइस आने के बाद बच्चे खाने के टाइम राइस की जगह बेबले बस राइस मांगेंगे वो मॉम को बोलेंगे कि हम लोगों ने टी में बेबले बस राइस देखा और हमें भी अब बेबले चाहिए और जब मॉम पूछेगी कि कितने रुपये एक का कराम और जब बच्चा बोलेगा कि टका टी का एक बेबलेट हजार दो हजार में आता है तो तमाम उसको बोलेगी कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो आएस एस बनो देश को संभालो एंड फिर उसके बाद बच्चे के अंदर एक एनिमल स्प्रिज जागेगी उससे दुनिया के प्रति एक बुरी भाव आएगी मतलब क्या बोले उसको एक बुरा ख्याल आएगा इस दुनिया को लेकर और बेबलेट ना मिलने की वजह से उसके दुख में वो एक बड़ा और बहुत ज्यादा ईवेल विलन बन जाएगा और फिर इस दुनिया के लिए वो बुराई करेगा और बेबलेट पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा जिसकी वजह से वो एक बुरा ईवेल और एक बुरा बच्चा बन जाएगा फिर वो पहले वो गैंगस्टर बनेगा और गैंगस्टर बन के पहले सारे बेबलेट्स को लूट लेगा और फिर वो डायलॉग मारेगा जो हमें के में दिखाएगा कि मैं गैंगस्टर नहीं मैं एक मॉन्स्टर हूँ और वो सारे बेबलेट्स को कलेक्ट करके बीजे बनाएगा का बेबलेट गोल्ड फील्ड और फिर ऐसा करते करते वो बन जाएगा के जी एफ का एक सस्ता सा वर्जन जो होगा बी जी एफ़ और वो बी जी एफ का रॉकी भाई बन जाएगा यानी कि सस्ता रॉकी भाई और फिर और फिर वो अपने सपने से उठ जाएगा हाँ ये सब बात है वो सपने में सोच रहा होगा क्योंकि उसे गुस्सा आएगा ना उसको बेबुले नहीं मिलेगा तो उसको थोड़ा गुस्सा तो आएगा ही और वो इस गुस्से में सो भी जाएगा और फिर सोने के बाद उसको ये सपना भी आएगा और फिर वो सुबह उठेगा फिर से बेचारा स्कूल जाएगा स्किल से आएगा और फिर और फिर रात को बेबले भी देखेगा फिर मोम से फिर से बेबले मांगेगा और फिर मोम उसको एक ही डायलॉग बोल लेगी और जिसके बाद वो फिर से वो एक जैसा सपना देखा कि वो बीडी उड़ा रहा है वो एकदम स्वैग में जी रहा है वो बेब रखा है गोल्ड फील बना कर रखा है जिसकी वजह से उसको बहुत सफ़र करना पड़ेगा सपने में उसको बहुत मेहनत करेगी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सपने में और एक इमोशनल है और भाई एक बच्चा सपने में इतना मेहनत क्यों करना चाहिए इसीलिए एनिमेटिटियल जोन के स्टोर से आपको एक ऑयल खरीदना चाहिए जिसका नाम है बिन बुनाए मेहमान तो नहीं गए पर सिद्ड ज़रूर चला गया ओनली ऑन एनिमेटियल जोन स्टोर और इसका प्राइस है ओनली वन करोड़ रुपीज़ सर so, देखा मैं कितना अच्छा हूँ मैं इतने कम कम दाम में तुम लोग ऑयल बेच रहा हूँ और कितनी स्वाद सेवा कर रहा हूँ वैसे सर सर मैंने भी ये ऑयल यूज़ किया था पर मेरा सिद्ध कम होने की वजह बढ़ गया अब भी तो छुप रहे धंधा शुरू होने पर शुरू होने से पहले बार बात करेगा क्या एडिटर एडिटर इसको काट देना इसीलिए बस राइस को सपोर्ट करो और किसी ना किसी प्रॉब्लम में बचो और अपने दिमाग का गर्म करो और फिर सिर में दर्द करो और मेरा ऑयल ख़रीदो और मुझे माला माल कर दो